नमस्कार, आपको मेरे YouTube चैनल और Facebook चैनल डॉक्टर संजयार शास्त्री में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजयार शास्त्री। दर्शकों, आज मैं बात करने वाला हूं, आप सभी सोचते हैं कि इस वर्ष में मेरे लिए क्या हो रहा है। मैं 2023 धनु राशि के लेके आया हूं आपके बीच में कि आपके लिए क्या लेके आ रहा है। धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो जुपिटर होते हैं, बृहस्पति, और बृहस्पति का स्वभाव बड़ा उत्तम माना जाता है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी मैटर पे डबल माइंड हो जाते हैं, और डबल माइंड होने के बाद वो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो आपको अपने आप में एक पॉजिटिव चेंजेस लाना होगा। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस लाइए और आप इस साल में बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है कि पीछे 7.5 वर्षों से जो आपके राशि पर शनि की 7.5 चल रही थी, अब वो 17 जनवरी को समाप्त हो, और 17 जनवरी के समाप्त होने के साथ साथ शनि आपकी कुंडली में कुटुंब स्थान में, पराक्रम स्थान में, भ्रातृ स्थान में, भाई स्थान में, इन स्थान पे आते हैं। ये आने से एक बात तो कंफर्म है कि आपके परिवार से, रिश्तेदार से, भाई बंधु से आपके संबंध का समन्वय बहुत अच्छा बनने जा रहा है। दूसरी चीज, शनि की अगर बात करें तो शनि उस दृष्टि, उनकी जो तीसरी दृष्टि है, उस तीसरी दृष्टि आपके संतान पक्ष पे उनका दृष्टि जाता है, और संतान पक्ष ये बताता है कि आप थोड़ी सी यहाँ पर देखिए, कोई भी ग्रह जब बहुत अच्छा करता है, व्यक्ति के, हर व्यक्ति के, हर ग्रह के दो नेचर हैं। कहाँ पर उस नेचर का पॉजिटिव प्रभाव देता है और कहाँ पर वो नेगेटिव प्रभाव देता है, इसी पर सारी ग्रह दशा आधारित है। तो शनि आपके लिए बहुत कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इन साथ साथ इसके साथ साथ एक गड़बड़ क्या हो रही है कि उनकी दृष्टि जो पांचवी दृष्टि है वो जा करके पड़ती है तीसरी दृष्टि, तीसरी स्थान, यानी कि पांचवें स्थान पे आपके संतान पक्ष। तो संतान पक्ष से क्या होगा, थोड़ा सा संबंध में भी छेद होगा, मन मुटाव होगा, तो उस समय आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। बच्चों के साथ एक अच्छे से प्यार से बात करने होंगे, समन्वय रखना होगा, जिसके कारण आपका संबंध बच्चों के साथ बहुत अच्छा हो सकता है। अगर मैं शनि की बात करूं तो 17 जनवरी के बाद शनि आपके जो कुटुंब स्थान में आते हैं उनकी दृष्टि सीधा आपके भाग्य स्थान पर, नव स्थान पर जाता है, और नवम स्थान ये बताता है कि आप इस साल बहुत बढ़िया भाग्य लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, काम आपका स्पीड पकड़ रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो बढ़िया करने जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं उसमें आपका तरक्की, आपके बॉस से अच्छा संबंध और बॉस से सम्मान आपको मिलने वाला है। अगर आप खुद के पर्सनल कोई ऐसा कोई गाड़ी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, या पेट्रोल से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड किसी तरह का कोई अगर आप काम करते हैं, इन सब में आपको शनि सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान पर उसकी 7वां दृष्टि, पूर्ण दृष्टि और प्रोटेक्ट सन के दृष्टि को देख रहा है। मैं बार बार कहा करता हूँ कि कोई भी ग्रह अपने 7वें स्थान को बड़े प्यार से देखते हैं, और प्यार से देखने के कारण उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो आपके इस बार शनि धनु राशि वाले आपके लिए स्पेशल शनि नवम भाग्य को, यानी कि आपके भाग्य को कंट्रोल कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी शनि से रिलेटेड कार्य है, लोहा से रिलेटेड काम हो, गैस से रिलेटेड काम हो, पेट्रोल से रिलेटेड काम हो, गाड़ी से रिलेटेड काम हो, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप सफल हो रहे हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप प्रयास करिए, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप नुकसान उठाएंगे। कारण होगा नुकसान, क्योंकि मैंने बताया शनि का स्वभाव दोपहर स्वभाव है, वो आपको परेशान कर सकता है। तो पार्टनरशिप में आप काम बिल्कुल मत करिएगा। अगले साल इस पर आपकी कुंडली पर बात करेंगे कि क्या होगा, लेकिन अभी मत करिएगा। अब बात करता मैं कर रहा हूँ आपकी कुंडली में जो जुपिटर 22 अप्रैल से गोचर में चेंज हो रहा है, वो आपके पंचम स्थान में संतान पक्ष में, और उनका कहा जाता है त्रिकोणाय द्विसप्तका, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 7, ये उनके अपने त्रिकोण जो है उनका स्थान है, 2, 5, 7 उनका स्थान है, ये उनका अपना खुद का स्थान है बृहस्पति का। तो बृहस्पति पांचवें स्थान में अपने घर में बैठे हैं, और विद्या बुद्धि और संतान पक्ष का और आपके धर्म से रिलेटेड चीज़ों को देखा जाता है। तो आपकी जो धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है,
संतान पक्ष से जो मैंने शनि की बात की थी, जो 17 जनवरी से गड़बड़ किए थे, वो 22 अप्रैल से संतान पक्ष से समन्वय बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में आप मैरिड हैं तो बहुत अच्छा मैरिड लाइफ चल रही है। अगर आप अनमैरिड हैं, प्रेमी जोड़ा है और शादी करना चाहते हैं, तो आपके योग भी बन रहे हैं 22 अप्रैल से, बहुत बढ़िया शादी, अच्छे योग बन रहे हैं। दूसरी चीज, धार्मिक यात्रा आप जरूर करने वाले हैं 22 अप्रैल के बाद। आप अपने बड़ों के साथ या अपने मित्रों के साथ धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं, एक बेहतर चीज दिख रहा है आपके कुंडली में जुपिटर के आने से। दूसरी बात, जब हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग जुपिटर की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 को पांचवा दृष्टि अगर देखें तो भाग्य स्थान पर फिर से उनकी दृष्टि है। तो शनि का 9वां 7वां दृष्टि और जुपिटर का 5वां दृष्टि, ये दोनों आपके लिए लकी है। तो एक तरीके से जुपिटर भी आपको बुद्धि के तरीके से, आप ठीक डिसीजन ले रहे हैं 22 अप्रैल से, और 17 जनवरी से तो शनि आपको सपोर्ट कर ही रहा है, तो दोनों तरीके से देखें तो आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। इसमें विशेष आपको ध्यान इस चीज का रखना है, राहु 30 अक्टूबर से जब जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक है जब आप काम कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप में काम में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कभी गलत डिसीजन लेते हैं। राहु आपके जैसे ही आ रहे हैं तो आपके कुंडली में सुख स्थान में आ जाते हैं और राहु कर्म स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ती है। तो जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु गोचर में आते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इतना हाई है कि सडनली आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे और अपना नुकसान खा लेंगे। तो प्रयास करिए कि ऐसा कोई डिसीजन आपसे नहीं लिया जाए जिसके कारण अपना नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके लिए इस वर्ष में लक्की नंबर है 3 नंबर और 7 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर। आपके लिए जो मैंने बताया था कि थोड़ी बहुत जो परेशानी आ रही है उसके लिए क्या करना चाहिए, बेहतर होगा कि आप राम चालीसा, श्री राम चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। थर्सडे के दिन हर थर्सडे श्री राम चालीसा का पाठ करें, और संभव हो तो जैसे आपने सुना होगा गेरू, एक गेरू होता है, वो गेरू कलर में आता है, चना होता है, नारंगी होता है, ये सब का दान आप थर्सडे के दिन जरूर करिए, अगर संभव हो तो जरूर करिए, इससे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गौ माता को अगर संभव हो तो चना भिगो करके आप बुधवार के दिन रात को भिगोइए, और गुरुवार के दिन में गौ माता को अपने हाथ से चना खिला के आइए, गुड़ खिला के आइए, और देखिए आपका ये वर्ष कितना आनंदमय बनता है और सुखमय बनता है। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहने के लिए मित्रों, आप मेरे YouTube पर अगर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए और Facebook को फॉलो करिए। आप सभी को ऐसे वीडियो